वंदे मातरम। आइए आज हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर देखते हैं कि आखिर कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे चार टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनपुट डिवाइस, एक तो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, और होता है आउटपुट डिवाइस, और होते हैं स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, BCR हो गया, MICR हो गया, QR हो गया, और जॉयस्टिक हो गया, स्टाइलिस हो गया। तो ये बहुत सारे आपको मैंने इनपुट डिवाइस लिख रखे हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से होते हैं, CPU, GPU, मदरबोर्ड, RAM, ROM। ठीक है, ये क्या हुए, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस कौन से, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, जैसे कि हमारी मेमोरी, मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। चलिए सबसे पहले पहले हम समझते हैं क्या इनपुट डिवाइस, आखिरकार इनपुट डिवाइस क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बाद समझेंगे हम आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस। चलिए हम कीबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड में आप लोगों को याद रखना है कि देखिए कीबोर्ड क्या होता है। देखिए अगली स्लाइड में देखिए, अब ये हमारा कीबोर्ड होता है, आजकल हर किसी ने इसे देख रखा है। ठीक है, देखिए कीबोर्ड में क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है आप लोगों को कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने इसका आविष्कार किया था कीबोर्ड को। और क्रिस्टोफर लैथम को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टाइपराइटर बोला जाता है। फादर ऑफ टाइपराइटर मतलब टाइपराइटर जो होता है, जो हम मतलब टाइपराइटर जब हम अदालत वगैरह में होते हैं ना, जो कोर्ट वगैरह में होते हैं, कोर्ट रूम में टाइपराइटर यूज होते हैं, तो टाइपराइटर का पिता कहा जाता है किसे, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को। ठीक है, आजकल हम मार्केट में देखते हैं हमको कीबोर्ड के तीन लेआउट मिलते हैं, मतलब तीन तरह के आपको कीबोर्ड देखने को मिलते हैं। पहला है एजार्टी, दूसरा है डेब्रॉक, और तीसरा है क्वालिटी कीबोर्ड। ठीक है, और आजकल हम जो यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी कीबोर्ड। क्वालिटी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर इसमें अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ देखिए ये पूरा आपका क्वालिटी लिखा हुआ है यहाँ, मतलब जो आपके शब्द लिखे हुए हैं, तो आपके जो इंग्लिश के शब्द लिखते हैं उसकी पहली लाइन में, मतलब सबसे ऊपर वाली लाइन में छह शब्द, छह अक्षर क्या होते हैं, क्वालिटी होते हैं। आप देखिए QWERTY, ठीक है, तो ये इसके नाम से, ये इसकी वजह से जो पहली लाइन में क्वालिटी आपको दिखने को मिलती है, उसी वजह से हम इसे क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, मेरे सबसे आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसकी मतलब क्यों इसे क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मार्केट में कुछ अलग अलग टाइप के कीबोर्ड आए, अलग अलग समय पर आए। जैसे कि देखिए ओरिजिनल IBM PC अगर कीबोर्ड देखते हैं, मतलब IBM का ओरिजिनल अगर आप कीबोर्ड देखते हैं, तो उसमें देखिए आपको 86 कीज मिलती हैं। ठीक है, कितनी कीज मिलती हैं, 86 कीज मिलती हैं। ठीक है, और देखिए और जो अपडेट, जब IBM वालों ने अपना कीबोर्ड अपडेट किया, उसमें 84 कीज आती है, मतलब 84 बटन होते हैं उसमें। 80 कीबोर्ड में 84 बटन 80 कीबोर्ड में होते हैं। 80 इनहेंस कीबोर्ड में 101, मतलब 80 वालों ने अपना क्या किया, अपना थोड़ा कीबोर्ड अपडेट किया, तो उन्होंने कितनी कर दी इसकी, 101 कीज उसमें कर दी। ट्रेडिशनल कीबोर्ड, ट्रेडिशनल कीबोर्ड में आपको याद रखना है कितनी कीज होती हैं, 101 की। इनहेंस यूरोपियन कीबोर्ड, इनहेंस यूरोपियन कीबोर्ड में कितनी होती हैं कीज, 102 कीज होती हैं, याद रखना है। और विंडोज़ कीज, विंडोज़ कीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आजकल यही यूज करते हैं, आजकल नॉर्मली यही यूज होता है। विंडोज़ की में कितने होते हैं, 104 कीज होती हैं टोटल। ठीक है, विंडो बेस्ड लैपटॉप कीबोर्ड में अगर आपको याद रखना है, तो लैपटॉप बेस्ड में कितनी होती हैं, 86 कीज होती हैं। ठीक है, याद रखना है। और एप्पल का जो कीबोर्ड होता है विथ न्यूमेरिकल कीपैड, ठीक है, न्यूमेरिकल कीपैड क्या होता है, जो ये हमारा ये होता है ना, ये हमारा न्यूमेरिकल कीपैड होता है। ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल की, देखिए एप्पल कीबोर्ड विद न्यूमेरिक की पेड से अगर आप देखते हैं, तो कितनी टोटल कीज होती हैं उसमें, 109 कीज होती हैं एप्पल कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीबोर्ड के साथ। अगर देखिए एप्पल का वायरलेस कीबोर्ड आते हैं, वायरलेस कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं,
78 कीज होती हैं, ठीक है। ये डाटा मैंने आप लोगों के लिए दे रखा है, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आगे याद रखना, जो बोर्ड हो जो हमारा जो कीबोर्ड होता है ये PS2 या USB से कनेक्ट होता है हमारा कंप्यूटर से, ठीक है। और जो वायरलेस होता है ना वो रेडियो तरंगों पर कार्य करता है, क्या करता है, रेडियो तरंगों पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए हम कीबोर्ड को थोड़ा नज़र डालते हैं, कीबोर्ड समझते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए जो हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज, सबसे पहले यह समझना है अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं। देखिए जो हमारी ए से जेड तक, मतलब ये वाली कीज होती हैं जो, ठीक है, ए से जेड तक जो कीज होती हैं उसे हम अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं, ठीक है। और अगली बात है न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज याद रखना है जी, क्या होती है न्यूमेरिक कीज कौन होती हैं, जो आपके कीबोर्ड में राइट हैंड पर जो कीज लगी होती हैं जिसमें आपकी एक से 0 से 9 तक तो ये होता है, और एक डॉट लगाने के लिए होता है, एक एंटर होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक गुणा होता है, एक भाग होता है, एक नमलॉक होता है, मतलब टोटल आप गिनेंगे तो टोटल ये 17 कीज होती हैं, ठीक है। 17 बटन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस चीज को याद रखना है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमेरिक कीज बोलते हैं, ठीक है। अब फंक्शनल कीज होती हैं, क्या होती हैं फंक्शनल कीज, देखिए जो ये है हमारे पास, देखिए F से F12 तक जो ये कीज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल कीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, फंक्शनल कीज बोलते हैं, ठीक है। मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज देखिए, मॉडिफायर कीज आपको याद रखना है, मॉडिफायर कीज जो होती हैं वो कभी भी अकेले काम नहीं करती, ठीक है, क्या नहीं, अकेले काम नहीं करती हैं, उसके साथ अगर उनको चलाना है, अगर उनसे अपना काम करवाना है तो उसके साथ आपको किसी दूसरी बटन या दूसरे कीज का मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मॉडिफायर बटन जैसे कि हम जैसे देखिए कंट्रोल है गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये देखिए कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ऑल्ट हो गया, ठीक है जी, हमारे दोनों स्पेस के बगल में जो दोनों बटन होते हैं वो ऑल्ट के होते हैं, ठीक है। कंट्रोल हो गया, ऑल्ट, देखिए ऑल्ट हो गया होगा हमारा, ठीक है, कंट्रोल हो गया, और ये वाला शिफ्ट हो गया, ये क्या है हमारे, ये मॉडिफायर कीज होते हैं, ठीक है, टॉगल कीज, ठीक है। अगला हम सब देखते हैं क्या है, टॉगल कीज, देखिए ये हमेशा विपरीत कार्य करती हैं, मतलब उल्टा कार्य करती हैं, जैसे कि हम मानते हैं जैसे कैप्स लॉक है, ठीक है, जैसे हमारा क्या है, हमारे पास ये है कैपिटल लॉक, ठीक है, ये है ना कैप्स लॉक, जो एक मिनट रुक जाएं आप लोग, थोड़ा इसे मैं साफ कर दूं, देखिए 1 मिनट होल्ड करना, बस हो गया। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, यहाँ एक कैप्स लॉक बटन होता है, ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है एक, ये देखिए कैप्स लॉक हो गया, ये क्या है एक, ये एक टॉगल की है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये कैप्स लॉक हो गया, एक यहाँ क्या है ये एक यहाँ क्या है, एक नम लॉक हो गया, ठीक है, स्क्रीन लॉक हो गया, क्या हो गया, स्क्रीन लॉक हो गया, वो जो आपके ये बटन होते हैं, ठीक है, इंसर्ट की हो गया, देखो ये इंसर्ट की हो गया, इनको क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारी टॉगल कीज कहलाती हैं, ठीक है, ये मतलब विपरीत कार्य करती हैं। विपरीत कार्य का मतलब ऐसा कि जैसे मान लो अपन कुछ टाइप कर रहे हैं, अगर हम कुछ कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, अगर पूरा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, अगर आप कैप्स लॉक दबा देते हैं तो सारा ऑटोमेटिक अपना क्या होता है, वो कैपिटल लेटर में आने लगता है, अगर कैप्स लॉक आप फिर से दबा देंगे तो वो क्या हो, फिर से स्मॉल लेटर में सारे शब्द आने लगेंगे, इसलिए होता है कि कैप्स ये लोग क्या करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलता है, विपरीत कार्य, ठीक है, याद रखना ये शब्द क्या है, विपरीत कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या, नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज क्या होती है, ठीक है, नेविगेशन कीज आपको याद रखना है एरो की, एरो की कौन होती है हमारी, ये वाली एरो की, जो ये चार कीज है ना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये चीज चारों कीज को हम एरो कीज बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ जैसे कि पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, होम हो गया, एंड हो गया, जैसे कि ये है ना, देखिए 1 मिनट, देखिए जैसे ये वाली कीज है, ठीक है, देखिए होम हो गया, एंड कीज हो गया, पेज डाउन, पेज अप, ये चार कीज जो होती हैं, ठीक है,
ये चार कीज इनको और ये वाली कीज को, ठीक है। ये जो एरो कीज होती हैं और ये चार ये वो होते हैं होम एंड और पेज अप और पेज डाउन, इनको हम क्या बोलते हैं याद रखना, हम इनको नेविगेशन कीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज, ठीक है। देखिए टैब की, देखिए चलिए थोड़ा ऐसे अपन क्लियर कर लेते हैं। देखिए टैब की, देखिए यहाँ आपको ये टैब की दिख रही होगी, यहाँ ये आपको क्या है टैब की दिख रही है। टैब का काम क्या रहता है कि देखिए इसका प्रयोग हम एक साथ कई अक्षरों को स्पेस देने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, स्पेस देने के लिए। अगर आप देखिए जैसे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आप देखिए फॉर्म फिल करने के लिए क्या होता है, पहले नेम का ऑप्शन आता है, फिर सरनेम का ऑप्शन आता है, फिर फादर का नाम आता है, फिर मदर का नाम आता है डालने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपका नाम हो गया, टैब दबाएंगे आप, टैब दबाएंगे तो वैसे ही आपका जो कर्सर है वो आपका सरनेम वाले ऑप्शन में पहुंच जाएगा। जैसे ही आपका सरनेम हो जाएगा आप दबाएंगे तो अगली बॉक्स में अपने आप पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब ये जंप करता है, आपको इंटर या माउस की हेल्प करने की लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। टैब हमारा ये काम करते हैं। चलिए टैब हमने समझ लिया है, ठीक है। अब देखिए कैप्स लॉक की क्या होती है, हमेशा कैपिटल लेटर में बनाती है, ठीक है। शिफ्ट की को याद रखना है, शिफ्ट की कौन कौन सी, देखो ये क्या है, ये शिफ्ट की है हमारी, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए शिफ्ट की, ये है हमारी दोनों, ये दोनों शिफ्ट की हैं। शिफ्ट कीज क्या करती हैं, इनको हम कॉम्बिनेशन कीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कीज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप शिफ्ट कीज को अगर 5 बार लगातार दबाते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी को काम करने के लिए आपको शिफ्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है, अगर आप वो शिफ्ट को लगातार 5 बार दबा देते हैं जल्दी जल्दी, तो वो शिफ्ट जो है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, जो काम आपको करवाना है। जैसे वो जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि शिफ्ट को अगर उनके, जैसे मान लो कोई किसी को उंगली नहीं होती है, किसी को मतलब हाथ में कोई दिक्कत है, तो किसी को 3 उंगली है 4 उंगली है, तो वो इतनी जल्दी से शिफ्ट को यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए 5 बार अगर शिफ्ट दबाएंगे तो शिफ्ट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, जिससे आप क्या होता है जो शिफ्ट काम करता है उसके बाद आपको हर बार शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर वहीं अगर आपको मान लो शिफ्ट से बाहर निकलना है तो 2 बार शिफ्ट का बटन दबाएंगे आप तो आप शिफ्ट के काम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। कॉम्बिनेशन कीज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ एक ये क्या होता है, स्पेस बार होता है। आपको कहना होगा कि ये इतना बड़ा बटन क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसे देखो दोनों हाथों से काम में लिया जाता है। जब आप टाइप करते हो तो आप स्पेस दोनों हाथों से देते हो, इसलिए इस बटन को इसी वजह से इतना बड़ा बनाया गया है। और इसका कोई मतलब कोई विशेष वो चीज़ नहीं है कि इसका क्यों कोई खास काम है, नहीं, आपको स्पेस देने के लिए बनाया गया है, इसलिए दोनों हाथों से आपके दोनों थंब में जो दोनों अंगूठे हैं आपके हाथ के, उनको दोनों को क्या हो सके, कंफर्टेबिलिटी पैदा हो सके, मतलब आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो उसे चलाने के लिए, ठीक है। एक होता है देखिए एंटर की मतलब क्या होता है, एंटर जैसे दबाएंगे तो इसका मतलब होता है कि आपने इस यहाँ का काम कर लिया है, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इंटर करके ही आपका जैसे ही पैराग्राफ खत्म होता है आप एंटर दबाते हैं, वो दूसरा पैराग्राफ चालू कर देता है, ठीक है। इंटर इस काम के लिए हमारा यूजेस होता है, ठीक है। अब होता है देखिए ESC बटन, देखिए आपको लेफ्ट कोने में सबसे ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। ESC का देखिए इसका प्रयोग वर्तमान में चल रहे किसी टास्क को बंद करने के लिए, मतलब जो भी आपका टास्क चल रहा है, जो भी आप मतलब कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए, इसे कैंसिल करने के लिए आप किस बटन का यूज करते हैं ESC का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखना अगर कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, देखिए कंट्रोल इसके साथ, 1 मिनट, देखिए कंट्रोल, देखिए हम अगर अपना कंट्रोल दबाएं उसके साथ ऑल्ट दबाएं और उसके साथ अगर हम ये डिलीट बटन दबाते हैं तो याद रखना तीनों बटन एक साथ कब यूज होते हैं, ठीक है, जब हमको
प्रोग्राम क्या करना था है, प्रोग्राम टोटली बंद करना होता है, मतलब रीस्टार्ट करना होता है कंप्यूटर, तब हम इन तीन बटन का वो मतलब यूज करते हैं। बेसिकली ये यूज नहीं होते हैं, लेकिन ये किस टाइम पे, विशेष टाइम याद रखना, जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है तब आपका कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट आपका यूज होता है बटन, ठीक है। इससे आप क्या है, जो प्रोग्राम चल रहा होता है, जो आपकी प्रॉब्लम होती है, जो बग्स वगैरह, जो बायस वगैरह उसमें आपके प्रोग्राम में होते हैं, उससे आप एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं और कंप्यूटर आपका शट डाउन होकर फिर से चालू हो जाता है, ठीक है। आप वैसे बेसिकली मत करना ये हमेशा, जब आपका कंप्यूटर हैंगिंग की प्रॉब्लम होती है तभी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अभी आपका देखिए, यहाँ एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन, क्या है, एक होता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का मतलब होता है कि जो भी आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, अगर उसका कॉपी, जैसे कि मान लो अपन मोबाइल में स्क्रीन शॉट का काम करता है ना, जो स्क्रीन शॉट लगाते हैं अपन, ठीक है, वॉल्यूम वाला बटन दबा के लॉक वाला बटन दबा देते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन शॉट ले लिया जाता है। वैसे ही स्क्रीन, ये प्रिंट स्क्रीन की हम यूज कहाँ कर सकते हैं, कि अगर कंप्यूटर का अपन को स्क्रीन की एक मतलब स्क्रीन शॉट लेना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज प्रिंट स्क्रीन की का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या बचा हुआ है, मेरे हिसाब से तो मैंने अधिकतर आपको सारा सब कुछ बता दिया है, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको ये चीज समझा चुका हूँ कि क्या होता है, जैसे होम की है, ये बटन है, देखिए क्या होता है, ये होता है होम की। होम की क्या करता है, ये किसी डॉक्यूमेंट को, जैसे आपको भी डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसमें होम दबा देते हैं तो आप सबसे स्टार्टिंग में उस आपके डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। एंड की में क्या होता है, आप सबसे अंत में पहुंच जाते हैं। डिलीट मतलब क्या होता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिलीट हो जाता है। होम का मतलब आप सबसे स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं, एंड का मतलब होता है सबसे अंत में पहुंच जाते हैं, पेज अप का मतलब होता है, मतलब जो आप नीचे का पेज पढ़ रहे हैं, आपको ऊपर के पेज में जाना है तो पेज अप कर दीजिए और नीचे वाले पेज में जाना है तो पेज डाउन कर दीजिए, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ एक चीज याद रखना आप लोग, कि एक शब्द होता है, ठीक है, एक होता है शब्द, क्या होता है, बी रेडर, क्या होता है, बी रेडर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कीबोर्ड होता है, ठीक है जी, एडवांस टेक्नोलॉजी का एक कीबोर्ड होता है, जो हमेशा किसके लिए, गेमिंग के लिए बनाया गया है। किसे, बी रेडर को क्या बोला गया है, एक गेमिंग पर्पज के लिए बनाया गया है। इससे हम सिर्फ क्या करते हैं, स्पेशली गेमिंग ही करते हैं इसके बाद, अगर कंप्यूटर में आपको गेम खेलने का शौक है तो ये जो कीबोर्ड है बी रेडर है, जो बुकाई के लिए बनाया गया है, याद रखना उसे बनाया गया है गेमिंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे देखिए हमारे पास आता है माउस। माउस का आपको याद रखना है कि माउस, आपको पता है कि माउस में तीन बटन होते हैं, दो बटन होते हैं और एक बीच में एक क्या लगता है, स्क्रॉल बटन लगा होता है, ठीक है। आपको याद रखना है माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने किया, क्या किया था, माउस का आविष्कार किया था किसने, डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने, कब किया था, 1964 में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। इसको हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे आप जानते हैं माउस को यूज कहाँ होता है, जैसे कोई चीज सिलेक्ट करने के लिए, कोई भी चीज आपको एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए, ठीक है, और स्क्रॉलिंग के लिए, और आप क्लिकिंग के लिए यूज करते हो। देखिए लेफ्ट क्लिक अगर दबाते हो आप, अगर एक बार आप क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, वो जो आप जिस भी चीज पर आपने क्लिक किया है तो उसे क्या, वो सिलेक्ट होता है। अगर वहां आपने दो बार दबा दिया तो वो चीज ओपन हो जाती है, ठीक है। राइट क्लिक करने के लिए होता है, देखिए ये लेफ्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक होता है, तो राइट क्लिक किसके लिए होती है, याद रखना, ये प्रॉपर्टी जानने के लिए, किसी चीज के लिए एडिट करने के लिए, ठीक है। और ये वाला लेफ्ट बटन काहे के लिए होता है, या तो सेलेक्ट करने के लिए या किसी चीज को ओपन करने के लिए होता है, ठीक है। और ऊपर नीचे ले जाने के लिए क्या होता है, हमारे पास ये स्क्रॉल बटन लगा होता है, ठीक है। इस चीज को आपको मतलब इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए एक शब्द होता है हॉवर, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, एक शब्द होता है हमारा हॉवर, क्या होता है, हॉवर।
हॉवर क्या होता है, आपको कंप्यूटर की भाषा में हॉवर का मतलब समझना जरूरी है कि हॉवर का मतलब होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर अपना कर्सर ले जाते हैं, ठीक है, जो इस तरीके का कर्सर होता है हमारे पास, किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाते हैं तो वो क्या होता है, कुछ को आप जानकारी प्रदान करता है, मतलब उसका नाम वगैरह, उसकी डेट वगैरह, उसका मतलब कुछ मतलब कैपेसिटी वगैरह, स्टोरेज वगैरह वो आपको शो करेगा, उसे हम हॉवर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि अगर हम माइस किसी कर्सर पर कुछ मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाते हैं तो कुछ जानकारी प्राप्त करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे याद रखना, उसे क्या बोलते हैं आप, हॉवर बोलते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को माउस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए माउस हैं जो आजकल 3 प्रकार के देखे जाते हैं, इसको तो एक तो स्क्रॉल माउस होता है, एक कॉर्डलेस माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, जैसे कि ये वायरलेस होते हैं, ये क्या होता है, ये स्क्रॉल बटन होते हैं, जो स्पेशली स्क्रॉल के लिए बना रहता है, इसमें केबल होती है, लेकिन ये क्या होता है, ये हमारा ऑप्टिकल माउस क्या होता है, एक वायरलेस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, वायर हमारा नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ओ एम आर, सबसे पहले क्या आता है, ओ एम आर, ओ एम आर का फुल फॉर्म याद रखना आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओ एम आर का फुल फॉर्म होता है क्या, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका आविष्कार याद रखना, आविष्कार किसने किया था, माइकल सोकोल्सकी ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। इसका किस चीज के, ये जो मशीन है इसी की हम ओ एम आर बोलते हैं, ठीक है, इस किस चीज के लिए यूज होता है, ये होता है एग्जाम एवेल्यूएशन के लिए, मतलब जो हम ओ एम आर सीट भर के आते हैं, जब भी आप पेपर देते हैं और ऑफलाइन पेपर होता है तो आपका क्या होता है, ओ एम आर सीट मिलती है, उसमें आप जो गोले होते हैं उसे काले करते हैं आप, ठीक है। तो उसको देखिए, उसको जांच करने के लिए किस मशीन का यूज होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रीडर का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे अपनी ओ एम आर सीट को काउंट करने के लिए किसका यूज करते हैं आप, ओ एम आर का, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का, जिसका आविष्कार किसने किया था, माइकल सोकोल्सकी ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अगला आता है हमारे पास ओ सी आर, ओ सी आर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं क्या होता है, ओ सी आर क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब एक ये पेन टाइप का होता है जो आप क्या है किसी पेज पर, देखिए जिसे ये देखिए आप किसी पेज पर जब इसे चलाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड होते जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब होते हैं शब्द, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करने वाले क्या होता है, उस शब्दों को रिकॉर्ड करने वाले अपने यंत्र को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे होता है बी सी आर, मतलब होता है बार कोड रीडर, जैसे देखिए आप देखिए क्या होता है बार कोड रीडर, ठीक है, सबसे पहले याद रखना है इसका आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना आपको नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड बर्नार्ड सिल्वर ने इसका उस क्या किया था, आविष्कार किया था, किसने, जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने बी सी आर का आविष्कार किया था। बी सी आर मतलब होता है बारकोड रीडर, जिसका आविष्कार कब हुआ था, 1940 में इसका आविष्कार हुआ था। इस कंपनी को पेटेंट कब इसने करवाया था, बी सी आर को पेटेंट हुई थी इसकी कंपनी, पेटेंट का मतलब समझते हैं कि मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज अगर आपने आविष्कार कर ली है, ठीक है, तो जब तक वो चीज आपकी नहीं मानी जाएगी, जब तक आप उसे लाइसेंस प्राप्त नहीं कर देते हैं, उस चीज का लाइसेंस प्राप्त करना ही हमारे पास क्या होता है, उसका मतलब होता है पेटेंट हो गई है। अगर आपके पास लाइसेंस है, आपके पास सबूत है, आपके पास कि हाँ ये चीज़ मैंने बनाई है, तो ये चीज़ रखने के लिए आपको रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करना है, किसी भी चीज़ को पेटेंट करवाना पड़ता है, ठीक है, क्या है, पेटेंट करवाना पड़ता है हमको, जिससे वो आपकी चीज़ है। लेकिन देखिए अगर आप कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई किसी भी चीज़ का आपने आविष्कार कर लिया है, ठीक है, लेकिन आपने उसको पेटेंट नहीं कराया है, अगर आप आपकी चीज़ को किसी और ने आपसे पहले अगर पेटेंट करवा लिया है, ठीक है, तो आपको क्या वो चीज़ आपकी नहीं कह लिए कही जाएगी, वो चीज़ उस इंसान की कही जाएगी जिसने वो चीज़ अपने नाम पे पेटेंट करवा ली, मतलब अपने नाम पे उस चीज़ को करवा लिया, ठीक है, उसे ही हम पेटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना बी सी आर बार कोड रीडर का आविष्कार किया था जोसेफ वुडलैंड बर्नार्ड सिल्वर ने, 1940 में किया था, पेटेंट इनने कब करवाया था, इन्होंने 1952 में इसको पेटेंट करवाया था, ठीक है। लेकिन जब इनका देखिए उस टाइम पे क्या होता था कि ज़्यादा इनको इसका रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन
एक वैज्ञानिक थे, कौन, एलन हैवरमैन, ठीक है। इनको इसकी जरूरत बहुत महसूस हुई तो इन्होंने इसका बहुत प्रचार किया। तो प्रचार का श्रेय किसे जाता है, एलन हैवरमैन को, ठीक है। इंडिया में 1998 से, याद रखना, इंडिया में 1998 से किसने, नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, ठीक है, इन्होंने बोल दिया था कि इंडिया में 1998 से अब हर प्रोडक्ट पर बार कोड होना, क्या, बार कोड होना जरूरी है। हर हर चीज पर बार कोड लगा होना चाहिए। इंडिया में कब से चालू हुआ, 1998 से, ठीक है, आपको याद रखना है। किसने चालू करवाया था, नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स ने इसको चालू करवाया था, ठीक है। आपको याद रखिए, देखिए क्या है बार कोड रीडर, आप देखिए कहाँ कहाँ आपको देखिए, जैसे आप मॉल में जाइए तो आपका पूरा पैसों का जो आप जो चीज भी खरीदारी करते हैं, तो आजकल बार कोड रीडर वहाँ हर जगह यूज होने लगे हैं, ठीक है। तो वो आपका मशीन से कैलकुलेट करके तुरंत बता देते हैं कि भाई साहब आपका हिसाब इतना हुआ है, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है MICR, क्या होता है MICR, क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये देखिए आप सिर्फ शब्द से समझिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब ये क्या करता है, मैग्नेटिक इंक से जो शब्द बने होते हैं उनको पहचानता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक मतलब जो चुंबकीय इंक से जो शब्द बने होते हैं उसे क्या करते हैं, ये रिकॉग्निशन मतलब पहचानता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, लिखना है आपको, ठीक है। देखिए इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन ने इसका आविष्कार किया था। किसने, अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। इसमें जो हमारे, देखिए आप चेकबुक देखते हैं तो चेकबुक के नीचे एक MICR कोड बना लिखा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वही मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है जिससे कि मशीन उसे कैलकुलेट कर लेती है और उनको बता, और वो आपके आपको अपने मतलब जिसका भी चेक हो उसकी पहचान करती है, असली पहचान, ठीक है। जो कैसे, देखिए आयरन ऑक्साइड से बना होता है जिसमें क्या होते हैं, मैग्नेटिक कुछ मटेरियल होता है उसमें, ठीक है। कितना के कैसे बना होता है, आयरन ऑक्साइड से, वो जो लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है, आयरन ऑक्साइड से लिखा होता है, ठीक है, जिसमें मैग्नेट कुछ अंश होते हैं जिससे क्या होता है ये रिकॉग्नाइज करता है उसके मतलब अपने उन शब्दों को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए QR होता है, क्या होता है QR, हम बोलते हैं ना QR कोड, ठीक है। आजकल देखिए गूगल पे फोन पे जहां भी आप जाएंगे तो सब जगह क्या चलता है, QR कोड, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूक रेस्पॉन्स, क्या बोलते हैं, क्यूक रेस्पॉन्स बोलते हैं उसका। QR कोड का मतलब क्या होता है, QR का फुल फॉर्म होता है क्यूक रेस्पॉन्स, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इससे ये क्या करता है, ये मशीन है जो QR कोड को पढ़ लेती है, ठीक है। और इसका देखिए इसका आविष्कार कब हुआ था, 1994 में इसका आविष्कार हुआ था। किसने किया था, डेंसो बेव ने इसका QR कोड का क्या किया था, आविष्कार किया था। किसने, डेंसो बेव ने इसका आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अगला होता है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक याद रखना कहाँ यूज होता है, ट्रेनिंग सिमुलेटर में, ठीक है, रोबोट कंट्रोल में इसका यूज होता है, और मेन चीज है आपको क्या, गेमिंग पर्पज के लिए आपका इसका यूज होता है, ठीक है। सबसे सबसे अच्छा क्या है कि जॉयस्टिक का कहाँ यूज होता है, गेमिंग के लिए, लेकिन हम इसको क्या है, ट्रेनिंग सिमुलेटर में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। रोबोट को कंट्रोल करने में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा यूज है जी, उसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे है, देखिए आगे है स्टाइलस, स्टाइलस मतलब होता है लेखनी, जिसकी हम पुराने मोबाइलों में देखते हैं, पुराने मोबाइलों में एक छोटे डंडी टाइप की मिलती थी, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ठीक है। बगल में, बगल से मतलब या तो यहाँ से या इधर नीचे से ये इस मोबाइल में लगी होती थी, तो इसको इसको क्या होता, इसे स्टाइलस बोलते हैं, लेखनी, ठीक है, इसको लेखनी बोलते हैं। जैसे हम देखिए पुराने मोबाइलों में आता था, आज भी किसी किसी मोबाइल में आता है, जैसे सैमसंग अभी कुछ फैसिलिटी देता है इसे स्टाइलस की, लेकिन अधिकतर मोबाइलों में ये स्टाइलस बंद हो गया है। क्या आप देखिए डायरेक्ट फिंगर फिंगर से अपने मोबाइल को चला सकते हैं, लेकिन पहले क्या था, ये स्टाइलस से चलता था, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो स्टाइलस क्या करते, स्टाइलस किसे बोलते हैं, याद रखना, जो आपको पेन टाइप की चीज मोबाइलों में दी जाती थी लिखने के लिए, ठीक है, जिससे आप स्क्रीन पर लिख सकते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टाइलस मतलब लेखनी बोलते हैं। जिसका आविष्कार किसने किया था, याद रखना, जॉन मिशेल ने इसका आविष्कार किया था। किसने किया था, जॉन मिशेल ने इसका आविष्कार किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक से आप समझ सकते हैं, बायोमेट्रिक जैसे आजकल आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आप देखिए उसमें एराइज भी, आप एराइज भी लगती है, फिंगरप्रिंट्स भी लगता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स भी लगता है, देखिए वैन प्रिंट भी लगता है आपका, देखिए आपका डीएनए, डीएनए आप जानते हैं, फेस रिकॉग्निशन होता है हमारे मोबाइल में, देखिए ईयर का रिकॉग्निशन होता है, सिग्नेचर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, गेंट मतलब मूवमेंट का होता है, वॉइस रिकॉर्डर होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बायोमेट्रिक होते हैं जिससे वेरिफिकेशन होता है कि हाँ भाई आप वही इंसान हो। आधार कार्ड में आप देखते हो आपकी रेटिना ली जाती है, फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं, सिग्नेचर भी लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये किस लिए, ये बायोमेट्रिक के अंदर ही आते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है हमारे आधार कार्ड में, ठीक है। बायोमेट्रिक मतलब जिसमें आपके शरीर में से किसी चीज़ को कॉपी किया जाता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गया, आँख की पुतली को आप ले सकते हो, उसका भी होता है, डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है, और सिग्नेचर भी लिए जाते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बायोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कैनर, स्कैनर देखते हैं, स्कैनर क्या होता है हम लोग सब जानते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको क्या करवानी है, ये क्या है एक स्कैनर, एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर में उसे देख सकते हैं, ठीक है। वो स्कैनर क्या होता है, कोई भी चीज़ को स्कैन करके आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, जिसका आविष्कार किसने किया था याद रखना, रे कर्जवेल ने इसका क्या किया था, रे कर्जवेल ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, रे कर्जवेल ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। और देखिए अगला आता है क्या, स्टोर बिट में क्या होता है, स्टोर कैम होता है, ये इमेज कैम में स्टोर होती है, स्टोर कैम में होती है, स्टोर बिट मैप इमेज किस में होती है स्टोर, ये आपके कंप्यूटर में बिट मैप इमेज में स्कैनर की क्या होती है, वो स्टोर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए वेब कैमरा, वेब कैमरा क्या होता है हम जानते हैं, आजकल सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, वेब कैमरा मतलब वेब कैमरा आजकल अधिकतर होता है ना, जैसे कंप्यूटर में कैमरा आता है, ठीक है, आजकल हर कंप्यूटर में वेब कैमरा देने लगे हैं, ठीक है, वेब कैमरा वही होता है, ठीक है, आपको याद रखना है इसका आविष्कार किसने किया था, स्टेफर्ड पॉल ने इसका आविष्कार किया था, कब किया गया था इसका आविष्कार, 1991 में इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है, इस चीज को आपको रखना, वेब कैमरे का आविष्कार कब किया था, कब किया गया था वेब कैमरे का, 1991 में इसका आविष्कार किया गया था, और किया किसने था, स्टेफर्ड पॉल ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ट्रैक बॉल होती है, ट्रैक बॉल आप जानते हैं, कोई भी ट्रैक बॉल होती है, देखिए इसे डिजाइनिंग में ज्यादा यूज होता है, ट्रैक बॉल देखिए, ये देखिए ये क्या है, एक आपको बॉल दिख रही है, ठीक है, ये बॉल जैसी जैसी हम घुमाते हैं वैसे ही हमारे क्या होती है, हम कोड कोई भी कंप्यूटर में डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें बहुत ही आसानी हो जाती है, आजकल तो ट्रेंड में नहीं है लेकिन ये क्या है, बहुत पहले उसका बहुत ज्यादा यूज था, ठीक है, तो इसे क्या करते हैं हम डिजाइनिंग में ट्रैक बॉल को ज्यादा यूज करते हैं, जैसे जैसे आप इस बॉल को घुमाते हैं वैसे वैसे आपकी सुंदर आकृतियां उसमें बनती हैं, ठीक है, इसका याद रखना, इसका आविष्कार किसने किया था, राफ बेंजामिन, ठीक है, किसने किया था, राफ बेंजामिन ने इसका आविष्कार किया था, इसका ट्रैक बॉल का, ठीक है। यूज कहाँ, देखिए यूज कहाँ होता है इसका, कैड में और कैब में, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका यूज होता है, ठीक है, कैड कैम में इसका यूज होता है, मैंने बोला ना कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब क्या होता है, डिजाइन बनाने के लिए, चित्रकारी के लिए इसका हम यूज बोल सकते हैं, कंप्यूटर में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइट पेन, ठीक है, आप भी देखते हैं लाइट पेन, देखिए लाइट पेन, लाइट पेन से क्या मतलब समझ सकते हैं, देखिए लाइट पेन के लिए याद रखना एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम स्क्रीन पर चित्र बनाने या कुछ लिखने के लिए करते हैं, ठीक है, तथा इसका प्रयोग फोटोग्राफी की अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी के लिए चित्र बनाने में किया जाता है, ठीक है, जैसे आप मतलब आप कंप्यूटर में कोई चीज आप डिजाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम इससे कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हैं, क्या करते हैं बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टच पैड, टच पैड तो आप लोगों को सबको पता है, आज कंप्यूटर में हर आज आपको लैपटॉप में टच पैड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, टच पैड होता है जो 4 फुट का होता है, इसमें आप उंगली चलाने से क्या होता है, अगर ऐप में इधर उधर जाना है तो ये क्या करता है, माउस का काम करता है, आप ऊपर नीचे खिसकाएंगे आप इस उंगली को तो क्या होगा, वो आपका कर्सर ऊपर नीचे जाएगा, अगर स्क्रीन को अगर आप 2 बार टैप करते हैं, ठीक है, तो वो चीज होल्ड हो जाती है जिससे आप उस चीज पूरी चीज को ऊपर नीचे जब कर सकते हो, ठीक है।
अगर देखिए इसमें भी देखिए माउस की तरह इधर एक इधर दबाएंगे आप तो ये राइट बटन होता है माउस का, और ये दबाएंगे तो ये लेफ्ट बटन होता है, ठीक है। इससे आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं और इससे क्या होते हैं कोई प्रॉपर्टी दिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे होता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, देखिए टच स्क्रीन क्या होता है। देखिए आप आजकल देखिए मोबाइल को आप जानती हैं सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, मोबाइल आप टच स्क्रीन चला रहे हैं, ठीक है। आजकल लैपटॉप भी देखिए लैपटॉप भी आप टच स्क्रीन चलाते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था, एरिक जॉनसन ने इसका आविष्कार किया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। टच स्क्रीन के बारे में मेरे हिसाब से आजकल सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का याद रखना है, माइक्रोफोन जब हम को किसी नेता वगैरह की आपने भाषण देखे हो तो ऐसा माइक लगा होता है जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन बोलते हैं, ठीक है। जिसका आविष्कार किसने किया था, जेम्स वेस्ट ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। आपको इस चीज़ का याद रखना है, ठीक है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वेस्ट ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। माइक्रोफोन द्वारा जो हमारा साउंड होता है वो डिजिटल डाटा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, डिजिटल डाटा में परिवर्तित होता है। जैसे आप अगर मोबाइल जैसे कंप्यूटर में आप लिख रहे हैं तो आप इसे लगा के उसमें लिख भी सकते हैं, आप भाषण में अगर कहीं नेता की कोई भाषण दे रहा है तो वहीं भी यही चीज़ लगी होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। गाना वगैरह रिकॉर्ड होते हैं वो इसी चीज़ से होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे होता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है, देखिए जो कैमरा तो सबने देखा है, ठीक है। डिजिटल कैमरा में आपको कैमरा जानते सब लोग हैं, बस कुछ पॉइंट हैं तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को बता दूं। देखिए स्टीवन सेजन, क्या नाम आया आपके आगे, स्टीवन सेजन। स्टीवन सेजन ने डिजिटल कैमरे का यूज किया, मतलब बनाया था सबसे पहले, ठीक है। जो सबसे पहले डिजिटल कैमरा बनाया था किसने बनाया था, स्टीवन सेजन ने इसको बनाया था, जिसका वजन कितना था, 3.6 किलो का कैमरा बनाया था इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले जब बनाया था स्टीवन सेजन ने तो जो कैमरा है वो कितने किलो का, 3.6, 3.5 किलो का बना था भाई साहब, क्या कैमरा, ठीक है। जो जिसका क्या है 100x100, मतलब 100x100 का ये इमेज खींच सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। जो किसकी देखिए हम आज के मोबाइल में क्या होता है, हमारे 32 मेगापिक्सल होता है और किसी में 64 मेगापिक्सल होता है, लेकिन सबसे पहले जो बना था उसमें कितना पिक्सल था, 0.01 पिक्सल का होता है, ठीक है। देखिए और 100x100 को आपको समझ में आया, इमेज क्या लेता था जी, 100x100 का इमेज ये खींच सकता था। जैसे आज हम देखते हैं जो आप देखते हैं ना कि 144 में देख रहे हैं हम वीडियो, 100 मतलब 360 में देख रहे हैं, ठीक है। वैसे ही इमेज का एक क्या होता है, एक फिक्स साइज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैमरा बना था उसका फिक्स साइज क्या था, 100x100, कितने पिक्सल का था, 0.01 पिक्सल का था, ठीक है। वो जो भी टेप मतलब जो भी इसमें फोटो हम लेते थे वो किस में सेव होती थी, याद रखना, उसे सेव किया जाता था कैसोल टेप में, उसे सेव किया जाता था किसमें, कैसोल टेप में से मतलब सुरक्षित किया जाता था, ठीक है। और याद रखें जैसे ही हम फोटो लेते थे तो फोटो लेने के 23 सेकेंड बाद आप वो इमेज को देख सकते थे, मतलब कोई भी इसे इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 23 मिनट लगते थे, ठीक है। पहले कंप्यूटर को जो वो पहले डिजिटल कैमरे को जिसे किसने बनाया था, स्टीवन सेजन ने बनाया था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिजिटल कैमरा के जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं हम क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस देख लिए हम लोगों ने, अब देखते हैं हम कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे कि सबसे पहले आता है सीपीयू। सीपीयू के बारे में आप सब लोग जानते हैं, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें 3 भाग होते हैं। एएलयू होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी में रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये अब तुम सीपीयू के बारे में बताकर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको सीपीयू को अच्छे से देखना है तो पिछला वीडियो देखिए आप, सीपीयू के वीडियो में डाल लगे हैं, उससे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अभी नए मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ सीपीयू, देखिए यहाँ ये चीज समझिए, टाइप ऑफ सीपीयू, ठीक है। टाइप ऑफ सीपीयू किस तरीके के टीप मतलब किस तरीके का मतलब सॉरी टाइप मतलब सीपीयू के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला होता है डुअल कोर। डुअल कोर में क्या होता है, डुअल कोर देखिए देखिए मतलब प्रोसेसर होता है ना, आप कंप्यूटर लेते हैं उससे पूछिएगा, आप कभी अगर कंप्यूटर मोबाइल अगर मोबाइल भी लेने जाते हैं ना आप, तो मोबाइल उससे पूछिएगा इसमें कौन सा प्रोसेसर है, तो आज कल याद रखना ऑक्टा कोर, ऑक्टा
कोर प्रोसेसर चलता है आपका, कहीं भी आप मोबाइल ले जाइए, कंप्यूटर लेने जाइए, कंप्यूटर तो बहुत कम, ठीक है, आप बेसिकली मोबाइल लेने भी जाते हैं ना तो उससे पूछिए तो अधिकतर क्या चलता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर चलता है, ठीक है। तो ये कुछ सीपीयू के टाइप हैं, ठीक है, आपका प्रोसेसर होते हैं एक टाइप के, ठीक है। तो डुअल कोर में दो कोर होते हैं, क्वाड कोर में चार कोर होते हैं, हेक्सा कोर में छह कोर होते हैं, याद रखना, और ऑक्टा कोर में आठ कोर होते हैं, और डेगा कोर में क्या होते हैं, 10 कोर होते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए, जितना बड़ा आपका जे मतलब जितना बड़ा आपके पास ये सीपीयू मतलब प्रोसेसर होगा, आपका कंप्यूटर का स्पीड उतना अच्छा होगा और उसकी लोड उठाने की क्षमता उतनी अच्छी होगी, प्रोसेसिंग स्पीड उतनी अच्छी होगी, ठीक है, स्टोरेज स्पीड उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो आजकल सब लोग क्या है, सब कोई अगर कोई भी मोबाइल लेने जाता है, कंप्यूटर ले तो उसका कंप्यूटर लेने जाता है तो उसका क्या है, उसका वो मतलब प्रोसेसर है, उससे प्रोसेसर जरूर जान लेता है कि इसकी आखिरकार इसका प्रोसेसर कितना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जीपीयू, जीपीयू का नाम क्या होता है, जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आप इसमें देख सकते हैं, देखिए देखिए याद रखना, कंप्यूटर तथा मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जो भी आपको इमेज हम देखते हैं उसे ग्राफिक्स कहा जाता है, ठीक है। जो भी आप कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर जो भी चीज़ आप जो भी इमेज जो भी दिखते हैं, ठीक है, शब्द भी देख रहे हैं तो उसे ग्राफिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो जीपीयू एक को प्रोसेसर होता है जो ग्राफिक्स कैलकुलेशन करता है, ठीक है। देखिए बाजार में है जो वो ग्राफिक्स से मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन आने की वजह से क्या होता है, कंप्यूटर और मोबाइल फोन में तेज गति से प्रोसेसिंग कराने के लिए सीपीयू का काफी बोझ बढ़ने लगा है, इसलिए इस बोझ को कम करने के लिए जीपीयू का निर्माण किया गया है, ठीक है। हम क्या देखते हैं आजकल, ठीक है, आपको दोबारा दोबारा मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको हर चीज समझ में आ जाए। देखिए हम कल आजकल क्या है, बाजारों में देखते हैं कि बाजारों में क्या होता है, अलग अलग रंग रंग तरीके के फोटोशॉप करने के लिए मतलब फोटो बनाने के लिए और अच्छे मतलब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आने लगे हैं, ठीक है। उसको क्या होता है, उसकी वजह से हमारा जो प्रोसेसर होता है उस पर ज्यादा लोड पड़ता है, ठीक है, किसको, ग्राफिक्स बनाने के लिए, ठीक है, उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े हमारे प्रोसेसर पर, इसलिए किसे बनाया गया, जीपीयू का, जीपीयू को, जिसे जीपीयू क्या करता है, पूरे जो हमारा ग्राफिक्स कंट्रोल होता है, जो भी हमको स्क्रीन में दिखता है ग्राफिक्स, वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा जीपीयू कंट्रोल करता है, ठीक है। इस चीज को क्या है आपको याद रखना है, ठीक है। सब देखिए, इसको जी फोर्स 256 भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, जी फोर्स 256, ठीक है। और इसकी देखिए नवीदिया ने इसका आविष्कार किया था 1996 में इसका आविष्कार है, इसका आपको याद रखना है, ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही डिटेल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, हमारे आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आप देखिए, मदरबोर्ड जानते हैं, याद रखना, सबसे पहले मदरबोर्ड किसने बनाया था, आईबीएम कंपनी ने बनाया था, कब बनाया था, 1981 में सबसे पहले मदरबोर्ड बनाया गया था, ठीक है। जिसे किसने, देखिए आईबीएम कंपनी में, आईबीएम को जिस डिपार्टमेंट को मदरबोर्ड बनाने का क्या है, मदरबोर्ड बनाने का कार्यभार सौंपा गया था, उनका हेड कौन था, पैटी ह्यूज, ठीक है, मैक ह्यूज, इसको क्या, इनको ही क्या बोला जाता है, मदरबोर्ड का आविष्कारक बोला जाता है, किसे, मैक ह्यूज को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट मदरबोर्ड जो बनाता है, जो फर्स्ट मदरबोर्ड था उसे क्या बोलते हैं हम, प्लानर ब्रेडबोर्ड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं, प्लानर ब्रेडबोर्ड बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम क्या दिया हुआ है हमको, देखिए सीमोस, देखिए सीमोस बैटरी, सीमोस बैटरी क्या होती है, याद रखना है, सीमोस बैटरी हमारे, ये क्या होती है, ये हमारे कंप्यूटर में लगी होती है सीमोस बैटरी, ठीक है। सीमोस बैटरी थोड़ी छोटी सी क्या होती है, ये क्या होता है, मदरबोर्ड का ही भाग होता है, जो कंप्यूटर में और क्या है, जो भी डिजिटल आपका कंप्यूटर हो या मोबाइल हो उसमें ये सीमोस बैटरी पाई जाती है, जो परमानेंट किसमें फिक्स
फिट होती है। याद रखना हमेशा मदरबोर्ड में ये फिक्स होती है, और ये किसका डाटा रखती है याद रखना, जो आपके कंप्यूटर में डेट और तारीख जो चीज़ दिखती है ना आपको, डेट और तारीख, ठीक है, उस चीज़ का डाटा कौन रखता है, उसको कौन संभालता है, सीमोस बैटरी का कार्य होता है कि वो उसके समय आपका मतलब जो कंप्यूटर का समय है और आपका जो डेट है उसे कौन संभाल के रखता है, सीमोस बैटरी में स्टोर किया जाता है उसे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं कि आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आता है, देखिए मॉनिटर, मॉनिटर का आविष्कार किया किसने किया था, जॉन एरिक्सन ने इसका आविष्कार किया था, याद रखना किसने किया था, जॉन एरिक्सन ने इसका आविष्कार किया था। कई तरीके के मॉनिटर आते हैं, जैसे एलसीडी आता है, सीआरटी होता है, एलईडी होता है, ठीक है। चलिए कुछ टाइप के आपके पास, मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, कुछ टाइप के आपको मैंने मॉनिटर दिखा रखे हैं, ठीक है। देखिए जैसे सीआरटी मॉनिटर होता है, सीआरटी मॉनिटर का क्या होता है, सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा होता है एलसीडी या टीएफटी, इसको एलसीडी बोला जाता है और टीएफटी भी बोला जाता है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, याद रखना क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और टीएफटी, टीएफटी का इसका टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एक हम देखिए प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा मॉनिटर होता है, एक एलईडी होता है और ओएलईडी होता है। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ओएलईडी का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एमोल्ड डिस्प्ले, ठीक है, एमोल्ड डिस्प्ले आजकल मोबाइलों में आजकल एमोल्ड डिस्प्ले आने लगी है, तो ठीक है, एमोल्ड डिस्प्ले का मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, क्या होता है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। मॉनिटर तो आप वैसे ही जानते ही हैं कि क्या होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम कोई भी प्रिंट करते हैं, कोई भी चीज इसमें अगर लिखते हैं, कोई भी संदेश देते हैं, तो सबसे पहले हमको कहाँ दिखाई देता है, वो मॉनिटर में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो शब्द समझिए आप, ठीक है, चलिए आपको दो चीज़ें और बता देता हूँ इसमें, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं हम क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक पिक्सल होता है, देखिए जैसे आपके जो आपका मॉनिटर की गुणवत्ता चेक करते हैं ना, तो आपके को क्या होता है, ऐसे ऐसे जो आप अगर उसमें क्या होता है, जब भी हम उसे उसमें जब भी कंप्यूटर स्टोर मतलब कोई भी डाटा अगर लिखा जाता है उसमें, तो इस टाइप के कुछ क्या होता है, इस टाइप के आपके कुछ उसमें मतलब क्या होता है, गड्ढे टाइप के हो जाते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, तो जिसमें हमारे को जिसकी वजह से हमको डाटा दिखता है, ठीक है। तो पिक्सल याद रखना, यह इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है, पिक्सल क्या होती है, ये सबसे छोटी इकाई होती है, किसकी, हमारी, यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। देखिए जो भी आपको मतलब आप, जब भी आप मतलब जैसे कि मान लो आप कोई इमेज खींचते हैं, तो जैसे ही आप जूम करते जाते हैं तो आपको मतलब ऐसी बिंदी टाइप की दिखने लगती है उसमें, ठीक है, मतलब हम बोलते हैं ना अरे यार इमेज फट गई है, ठीक है, तो इस टाइप की बिंदी दिखती है ना, उसे ही हम पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। वो होता है ना गुणवत्ता आपकी, देखिए क्या होता है, जितना हाई क्वालिटी का कैमरा होगा उतना आपका इमेज साफ आएगा, ठीक है, वही होता है जो बिंदी टाइप की आपको लास्ट में दिखने लगती है, जूम करते जाते हैं, जूम करते जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होते हैं, हमको ऐसी बिंदी टाइप की दिखने लगती हैं, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। और डॉट पिच याद रखना, डॉट पिच जैसे देखिए एक बिंदु, देखिए एक बिंदु आपको यहाँ दिख रहा है, एक बिंदु आपको यहाँ दिख रहा है, और इन दोनों के बीच में जो भी जगह होती है उस जगह को याद रखना डॉट पिच होता है, वो क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं उसे। इन चीज़ों को आपको याद रखना, मैंने सोचा चलो आपको काम में आ जाएंगी थोड़ा बता दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है हमको क्या, प्रिंटर, प्रिंटर भी जानते हैं, देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर, प्रिंटर हम जानते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमको आउटपुट में निकालनी है, हार्ड कॉपी किसी चीज़ की चाहिए, तो उसे हम प्रिंटर बोलते हैं, जिससे हम कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए प्रिंटर क्या होता है, देखिए पहले होते हैं जैसे हमारे क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर याद रखना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, यह प्रिंटर वह होता है जो मतलब
उसको अगर कोई कागज पर छापते हैं अपन, कोई चीज लिखते हैं तो उस पर कोई ना कोई छाप छोड़ जाता है। जैसे कि आप कोई भी स्टाम्प पैड लीजिए तो उसमें क्या होता है, आपके मतलब पीछे से थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट दिखने लगते हैं, मतलब छाप छोड़ जाता है, तो उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, देखिए याद रखना, इसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड लगा होता है जो कागज और रिबन से टकराता है, जिससे कागज पर वांछित अक्षर, मतलब जो अक्षर आपने छापा है वो अक्षर छप जाता है। ठीक है, आप जैसे दबाते हैं तो उस पर प्रेशराइज, मतलब प्रेशर होकर उस कागज पर पड़ता है, तो उस पर वो कागज पर क्या होता है, वो शब्द छप जाता है। ठीक है, जो छाप छोड़े उसे क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर समझना, इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं उनमें प्रिंट हेड व कागज के मध्य क्या होता है, संपर्क नहीं होता है। मतलब जिस चीज से छापते हैं उसके बीच क्या होता है, कागज और उस चीज के बीच क्या होता है, संपर्क नहीं होता है। मतलब थर्मली कहीं, देखिए अब आपको देखिए कैसे, अगर वो टच नहीं करेगा तो कैसे लिखेगा, तो आपको ये चीज अभी देखो मैंने आपको इस टाइपिंग बता रखी है, ये आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो कागज पर लिखने से कागज से टच हो उसे इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो कागज से टच ना हो उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास 5 टाइप के हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स हो गया, डीजी बिल्ड प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, और चेन प्रिंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे क्या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले क्या आता है हमारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको कैसा दिखता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या काम होता है, ठीक है, यह प्रिंटर सबसे सस्ता होता है और सबसे ज्यादा शोर करने वाला होता है। याद रखना क्या होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, एक तो सबसे ज्यादा सबसे सस्ता होता है और शोर भी सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, और इसकी स्पीड याद रखना कितना होता है, 30 से 600 CPS होता है। CPS का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर ये टाइप कर सकता है। ठीक है, कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, तो याद रखना इसकी स्पीड क्या है, 300 से 600 CPS होती है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना, क्या होता है ये सबसे शोर करने भी वाला होता है डॉट मैट्रिक्स, और सबसे सस्ता भी आता है। ठीक है, जैसे कि जैसे मान लो रेलवे टिकट है ना, आजकल हम जब भी रेलवे टिकट आप देखते हैं, रेलवे टिकट जहाँ कटवाने जाते हैं ना आप, तो देखिए वहाँ याद रखना किसका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है। ठीक है, स्पीड पोस्ट में जब रसीद मिलती है आपको वो क्या होगा, वहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ समझते हैं हम डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर, आपको इमेज मैंने इसीलिए लगा रखी है कि आपको समझ में आ जाए हर चीज। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर कैसा होता है वो आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, याद रखना, ठीक है, इस प्रिंटर की जो गति है वो बहुत धीमी होती है, लेकिन जो छपने वाला प्रिंट को ना, जैसे मान लो डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है, अब आप देखिए रेलवे टिकट है तो वो अच्छे से शब्द अच्छे से दिखाई ही नहीं देते। ठीक है, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर की क्वालिटी क्या होती है, जो शब्द इसमें छापा जाता है वो अच्छी तरह के इसे आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, इसमें बहुत मतलब स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब इस याद रखना, इसको जैसे अपन कोई भी लेटर लिखते हैं ना किसी के लिए, तो वहां क्या है डीजी व्हील प्रिंटर का यूज करते हैं कि जिसे आप आराम आराम से लिखते हैं और साफ साफ आपको दिख सके, तो वहां जब भी लेटर हम लिखते हैं तो किस चीज का यूज करते हैं, डीजी व्हील प्रिंटर का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं क्या है लाइन प्रिंटर। क्या होता है लाइन प्रिंटर, होता है लाइन प्रिंटर क्या होता है, जैसे कि आप इमेज में दिखते हैं कि लाइन प्रिंटर, देखिए लाइन प्रिंटर सिर्फ आप शब्द से समझिए कि ये एक बार में लाइन ही पूरी लाइन टाइप करता है। क्या लाइन प्रिंटर मतलब एक बार में पूरी लाइन टाइप करता है। ठीक है, इसकी स्पीड याद रखना, इसकी स्पीड क्या होती है, 300 से 3000 LPM होती है इसकी, 300 से 3000 LPM, मतलब लाइन पर मिनट। LPM का मतलब क्या होता है, LPM का मतलब होता है लाइन पर मिनट, इसका मतलब आपके मतलब स्पीड होती है इसकी। ठीक है, एक बार मैं बता चुका हूँ, ये एक बार में एक लाइन टाइप करता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर भी 3 टाइप के होते हैं, याद रखना क्या होता है, ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, बेंड प्रिंटर हो गया, ये क्या है आपके लाइन प्रिंटर के उदाहरण है। तो इतना डिटेल से हम नहीं जाएंगे,
ठीक है, ये आपके इतने अंदर से तो मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम वगैरह में पूछेगा। ठीक है, आपको मैं टाइप बता दिए, ये किसके ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बेंड प्रिंटर किसके हैं, लाइन प्रिंटर के आपके पास उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर में आपको याद रखना है क्या है, थर्मल प्रिंटर याद रखना। देखिए, इन प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहता। जैसे मतलब ज्यादा समय के लिए स्थिर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज आपकी अगर कागज में छाप दी जाती है, मतलब लिख दी जाती है, तो वो ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जैसे कि आप उदाहरण के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, तो कोई कागज आपको जिसमें आपको डिटेल मिलता है लिखा कि आपने क्या क्या खरीदा है, उस लिस्ट को आप देखते हैं, कुछ दिन रखे रहिए, वो शब्द अपने आप उड़ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एटीएम में जाते हैं, एटीएम में आप अब जब जब भी मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, जब भी आप कोई भी एटीएम से लेन देन करते हैं, तो आपको पर्ची निकाल कर देता है, वो पर्ची आप अपने पास कुछ दिन रख के देखिए, वो अपने आप क्या होता है, वो उसके शब्द अपने आप उड़ जाएंगे। तो याद रखना, वहाँ कौन सा यूज होता है, वहाँ थर्मल प्रिंटर यूज होता है। ठीक है, आपको इस चीज को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर देखिए आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि लेजर प्रिंटर आखिरकार होता क्या है, ठीक है, कैसा दिखता है, और इसकी स्पीड आपको रखना है याद, 300 से 600 DPI होता है। ठीक है, 300 से 600 DPI, DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। ठीक है, क्या होता है, डॉट पर इंच, याद रखना है। इस प्रकार का जो प्रिंटर होता है, बहुत तेज गति से और हाई क्वालिटी के साथ अक्षरों को छापने में सक्षम होता है। मतलब लेजर प्रिंटर क्या होता है कि मतलब इसकी स्पीड भी तेज होती है, और जो मतलब जो शब्द छपता है आपका कागज में, तो उसकी क्वालिटी भी हाई होती है, साफ साफ आप देख सकते हो, एकदम क्लियरली उसे देख सकते हो। ठीक है, क्या, क्योंकि इसमें कार्टरेज, याद रखना, इसमें क्या यूज होता है, कार्टरेज इसमें यूज होता है। ठीक है, जिसके अंदर सूखी स्याही मतलब ड्राई इंक भरी होती है, जिसकी मदद से ये लिखता है। ठीक है, तो क्या है, कार्टरेज यूज होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सूखी स्याही यूज मतलब सूखी स्याही भरी रहती है, जिससे ये क्या होता है, जिससे ये कोई भी कागज में कोई भी चीज छापता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर। इमेज में आप देख सकते हैं कि आखिरकार इंक जेट प्रिंटर कैसा दिखता है। ठीक है, याद रखना, इसका प्रयोग कलर प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। किसका, कलर प्रिंटिंग के लिए इंक जेट प्रिंटर का क्या के लिए यूज होता है, कलर प्रिंटर के लिए यूज होता है, जिसकी गति, देखिए कोई भी आप कलर इमेज निकालेंगे, आप कभी भी अभी भी किसी साइबर कैफे पर जाइए, कोई कलर प्रिंटर निकलवाइए आप देखिए, वो बिल्कुल धीरे 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 धीरे, क्योंकि कलर सेलेक्ट करने में इसे टाइम लगता है, तो धीरे धीरे उसे निकालता है। ठीक है, तो इंक जेट प्रिंटर आपको लगता है, इंक जेट प्रिंटर से क्या होता है, इसमें क्या होता है, कलर क्या होता है, कलर प्रिंटिंग के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अधिकतर इसका टाइम यूज होता है, फोटोग्राफी में इसका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे होता है हमारे पास यूवी प्रिंटर। यूवी मतलब होता है यूवी प्रिंटर, यूवी प्रिंटर, यूवी प्रिंटर मतलब पराबैंगनी प्रिंटर, मतलब अल्ट्रावायलेट। ठीक है, याद रखना, इस प्रकार का जो प्रिंटर होता है, सुरक्षा की दृष्टि से इसको किया जाता है। मतलब क्या होता है, यह मतलब कॉन्फिडेंशियल डाटा रखने के लिए किया जाता है, मतलब गोपनीय डाटा रखने के लिए यूवी प्रिंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, गोपनीय डाटा का मतलब जो भी आपका यूवी प्रिंटर आपका कागज पर छाप देता है, उसे आप देख नहीं सकते। ठीक है, वो डाटा आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, याद रखना, इसीलिए हमने कहा गोपनीय डाटा। ठीक है, गोपनीय डाटा, कभी भी कोई भी अगर हमारे यहाँ कोई संस्थाएं वगैरह, सीबीआई वगैरह हो गया, रॉ हो गया, आई, ठीक है, आईबी हो गया, ये किसका ज्यादा किस चीज का यूज करते हैं, कि यूवी प्रिंटर का यूज करते हैं, जिससे आपका लिख जाता है तो नॉर्मल इंसानों से पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, यूवी प्रिंटर हम उसमें छापते हैं, तो उसे आप नहीं पढ़ सकते। याद रखना, अगर आपके एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिससे आप कागज में छाप तो सकते हैं लेकिन आपको दिखेगा कुछ नहीं, तो याद रखना कौन सा है, वो अल्ट्रावायलेट प्रिंटर है, मतलब यूवी प्रिंटर उसका नाम है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसको पढ़ने के लिए भी स्पेशली मशीन की जरूरत होती है। ठीक है, आप उसे आसानी से नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसे कॉन्फिडेंशियल डाटा रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर कैसा होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं,
ठीक है, 3D प्रिंटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी मग वगैरह होता है, खिलौना वगैरह होता है, कोई भी गेंद वगैरह होता है, उस पर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को प्रिंट करवानी है ना, जैसे आजकल कुल लोग क्या है, अपने चाय के जो मग होता है, उनका जो कप होता है, उसमें फोटो वगैरह नाम वगैरह छपवा लेते हैं, वो किस चीज़ से होता है, 3D प्रिंटर द्वारा उसे छापवाया जाता है, ठीक है, उसमें लिखवाया जाता है, ठीक है। इस देखिए, एक टेबल मैंने आपके यहाँ बना रखी है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए, जैसे डीजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, वो प्रिंटर, देखिए प्रिंटिंग यूनिट क्या होती है उसकी, सीपीएस मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इस चीज़ को एग्जाम में पूछ लेते हैं ये लोग कभी कभार कि डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग यूनिट क्या होती है या प्रिंटर इकाई क्या होती है, तो याद रखना सीपीयू सीपीएस होती है, क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड होती है। जैसे ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और लाइन प्रिंटर क्या होता है, एलपीएम मतलब लाइन पर मिनट के हिसाब से इसका प्रिंटर यूनिट होता है। लेजर प्रिंटर का क्या होता है, पीपीएम मतलब पेज पर मिनट इसका प्रिंटिंग इकाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखते हैं हम क्या होता है हमारे पास, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि प्लॉटर क्या होता है, ठीक है। प्लॉटर दो टाइप का होता है, ड्रम पेन प्लॉटर होता है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, ठीक है। चलिए, प्रिंटर क्या होता है, यह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ का चित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, ठीक है, इन चीज की हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट कराने के लिए हम क्या है, प्लॉटर का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छी गुणवत्ता और ग्राफिक्स निकालने के लिए इसका यूज होता है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ब्लू प्रिंट हो गया, पोस्टर हो गया। जैसे आप देखते हैं, आप कल रोड पर निकल जाइए तो सबसे ज्यादा आपको किसके मिलेंगे, नेतागिरी नेता वाल नेता लोगों को ज्यादा मिलते हैं आपको, पोस्टर टंगे हुए कि भाई साहब इनका स्वागत हो रहा है, फलाना हो रहा है, क्या क्या नहीं होता है नेताओं का, ठीक है, उनके आपको ज्यादा पोस्टर मिलेंगे, ठीक है। आप जाइए तो आपको 10 मिलेंगे, किसके, किसी स्टडी स्टडी से रिलेटेड, किसी अच्छे काम से रिलेटेड 10 मिलेंगे, बाकी 90 आपको नेताओं के मिलेंगे, ठीक है। ये होते हैं, क्या होता है, जो पोस्टर होते हैं, जो पोस्टर किससे छपाए जाते हैं, वो प्लॉटर से छपाए जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीकर तो आप लोग जानते हैं कि स्पीकर क्या होता है, ठीक है। स्पीकर का प्रयोग क्या है, कंप्यूटर से जोड़ने के बाद इसमें से क्या ध्वनि आती है, गाने वगैरह हम लोग सुनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर कैसा दिखता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं प्रोजेक्टर, देखिए प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो हम देखिए प्रोजेक्ट का प्रयोग मतलब किसी भी डाटा को बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसको क्या है, समतल के मतलब एक सतह मतलब प्लेन सतह की जरूरत होती है। अगर आपने प्रोजेक्टर देखा है तो वो आपका दीवार के सामने लगा होता है, वो प्रोजेक्ट करता है आपकी दीवार पर, तो आपको दीवार पर आराम से देख सकते हो कि आखिर मतलब आप जैसे जैसे अधिकतर कहाँ यूज होता है, जैसे कि आप मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं ना, कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं तब प्रोजेक्टर का यूज होता है। जो भी आप घर से अगर अपने मीटिंग के लिए बना के आए हैं तो उसमें प्रोजेक्टर के थ्रू आप समझाते हैं लोगों को कि आखिरकार ये हम मतलब जो भी प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया उसको कैसे कैसे काम करता है और मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट करता है, ये स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है, जिसे एक समतल मतलब समतल दीवार की जरूरत होती है, ठीक है। अब प्रोजेक्टर तीन टाइप के होते हैं, जैसे डीएलपी मतलब होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, एलसीडी होता है एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक होता है एलईडी टाइप का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये कुछ प्रोजेक्टर के टाइप थे, मैंने सोचा चलो आपको बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइसेस आपको याद रखना है कि वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर से जोड़ी जाती हैं उन्हें पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें, पेरीफेरल डिवाइस बोलते हैं किसे, जिसे हम कंप्यूटर के अलावा जो भी बाहर की चीजें लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर, कंप्यूटर, ठीक है, ये क्या है, सीपीयू में सारे हम जोड़ रहे हैं, जैसे पावर सप्लाई हो गया, डीवीडी ड्राइव हो गया, मेन बोर्ड हो गया, सीपीयू रैम हो गया, साउंड कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, जी ठीक है, जो भी आपकी चीजें आपको दिख रही हैं, बीजीए कार्ड, जो भी आपकी जो भी सीपीयू से जोड़ी जाती हैं, जो भी चीजें उसे क्या होते हैं, सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल डिवाइस बोलते हैं, जो भी अलग से चीजें सीपीयू में जोड़ी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे होता है फर्मवेयर। क्या होता है, फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर याद रखना है। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी हार्डवेयर के निर्माण के समय ही
इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है, जब भी देखिए फर्मवेयर क्या रखना है, फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी हार्डवेयर के समय ही इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसमें देखिए हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, बायोस हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, प्रिंटर आदि, इसके अलावा कुछ घरेलू उपकरण होते हैं जैसे कि टीवी हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, माइक्रोवेव ओपन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, ईसी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ईटीएम मशीन हो गई, मतलब ऐसी जगह से क्या होता है इनके साथ एक इम्बेडेड कर दिया जाता है। मतलब इम्बेडेड क्या कर दिया जाता है, मतलब इंस्टॉल कर दिया जाता है। इम्बेडेड का मतलब होता है एक क्या है, तो इसको इम्बेडेड किया जाता है, मतलब इंस्टॉल कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, फर्मवेयर में किसी भी हार्डवेयर के बेसिक फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, याद रखना, देखिए फर्मवेयर सॉफ्टवेयर राम मतलब रैम रोम मेमोरी सॉरी क्या है यार रोम मेमोरी होता है, जो रैम मेमोरी में स्टोर होता है। क्या है, जो हमारा फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है कहाँ स्टोर होता है, रोम मेमोरी में वो स्टोर रहता है। ठीक है, रोम देखिए रैम में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उड़ जाएगा, क्योंकि देखिए फर्मवेयर में आके देखिए जो आपका स्टार्टिंग का और जो आपका बंद का सिस्टम, आपका जो कंप्यूटर में जो स्टार्टिंग का सिस्टम होता है, स्टार्टिंग का जो भी प्रोग्राम होता है वो कहाँ होता है आपका, इसी बायोस में, इसी फर्मवेयर में होता है। फर्मवेयर के अंदर क्या होता है, बायोस में इसके अंदर यूज होता है। बायोस, बायोस का फुल फॉर्म देखिए, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिक आपका चालू और बंद करने का इसमें सिस्टम होता है जो रोम में स्टोर होता है। याद रखना बायोस कहाँ होता है, रोम में स्टोर होता है, क्योंकि देखिए अगर रैम में इसे स्टोर किया जाएगा तो अगर मान लो आपने कंप्यूटर बंद कर दिया है तो फिर आप अपने कंप्यूटर को चलाओगे कैसे, इसलिए इसे बायोस के अंदर किसमें, रोम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, जिससे हमारा कंप्यूटर चल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे शब्द आता है हमारे पास SMPS, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, याद रखना क्या होता है SMPS, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, चलिए देखिए स्विच मोड पावर सप्लाई दिखता कैसे है, आप देख सकते हैं जैसे कि इमेज में। ठीक है, यह देखिए यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर के सभी उपकरणों जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, बिजली बिजली मतलब बिजली को बड़ी कुशलता से मतलब एसी से डीसी में परिवर्तित कर देता है। मतलब इसमें क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई इसमें एसी से डीसी को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाइट को क्या होता है, एसी से मतलब अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में बदल देता है। क्या, एसएमपीएस क्या करता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। आपको मुश्किल ये जो कार आए एसएमपीएस का आपसे क्या पूछा, फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखना है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूपीएस होता है। क्या होता है, यूपीएस मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, जो भी हम देखते हैं यूपीएस आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो भी आपका देखिए अगर आप घर में यूज कर सकते हैं, कोई भी बेसिक अपने लिए घर यूज कर सकते हैं, कोई भी अगर कोई भी जैसे मान लो कोई वर्क फ्रॉम होम करता है ना, अगर उसके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो तो 100% याद रखना वो यूपीएस अपने पास रखेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी चीज है आपको देखिए अगर लाइट चली जाती है तो आपके पास अगर यूपीएस नहीं होता है तो वो कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है। तो यूपीएस होता है तो आपको 10-15 मिनट का टाइम मिल जाता है, बैटरी बैकअप इसमें होता है, तो 10-15 मिनट में जो भी आपने काम किया है तो वो आप आराम से सेव कर लो, उसके बाद आराम से कंप्यूटर को बंद कर दो, जिससे कंप्यूटर के बंद होने के मतलब कंप्यूटर के एकांत इकट्ठा बंद होने से, उसके कंपोनेंट डैमेज होने से, कई तरह से यूपीएस जो होता है हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हमारे कंप्यूटर को बचाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। यूपीएस कहाँ होता है यूज, जब भी हमारी लाइट हो जाती है तो थोड़ा 15-20 मिनट का ये बैकअप दे देता है हमारे कंप्यूटर को, जिससे हम अपने जो रैम में चीजें सेव होती हैं उसे हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस 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 क्या होता है, देखिए जो आपको ये इमेज में जो कुछ इस देखिए कुछ वायर टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है ना, इस वायर को ही हम बस बोलते हैं। ये बस क्या होती हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट चाहे सीपीयू में चाहे जहाँ हो, ये क्या होता है बस के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, बस वायर होते हैं, उससे क्या होता है सारे कनेक्ट होते हैं। देखिए बस के कुछ टाइप होते हैं, जैसे डाटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, कंट्रोल बस हो गया। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है
बस क्या होता है, बस बस किसी स्पेशल चीज की ना, बस का कोई स्पेशल चीज का नाम नहीं है, वो जो वायर लगे होते हैं ना उसके, इतने घने वायर आपने देखा हो कभी, कोई भी अगर आपने टूटा फूटा कोई आपका अगर रिपेयरिंग के लिए गया उसे देखना, तो इस तरीके के वायर लगे होते हैं जो क्या होता है, बस तो हमारे क्या है कंप्यूटर में जो लगे होते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है आगे होता है हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड होता है, देखिए याद रखना यह एक हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, जबकि जब भी किसी हम फोटो या वीडियो को कंप्यूटर में ओपन करते हैं या कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, तब ग्राफिक्स कार्ड की सहायता से चित्र की जो क्वालिटी होती है वो हमको स्पष्ट दिखाई देती है। इसे वीडियो कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। जैसे आप अगर आप कंप्यूटर अगर आपके पास है तो आप चलाना, तो उसमें देखो जैसे आप पहले माई कंप्यूटर में जाएंगे, उसके बाद माई कंप्यूटर के अंदर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैनेज के, मैनेज के अंदर जाएंगे वहाँ डिवाइस मैनेजर होगा, डिवाइस मैनेजर के अंदर जाएंगे आप डिस्प्ले एडाप्टर होगा, और डिस्प्ले एडाप्टर के अंदर आप जैसे दबाएंगे डिस्प्ले एडाप्टर का, तो उधर आपको क्या दिख जाएगा, आपका ग्राफिक्स कार्ड दिख जाएगा। ठीक है तो आपको ग्राफिक्स कार्ड दिख जाएगा कि हमारे में कितने कितने जीबी का क्या है ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है चलिए ग्राफिक्स कार्ड आपको समझ में आया है। ठीक है क्या होता है ग्राफिक्स कार्ड, जब भी हम कोई भी वीडियो चलाते हैं या फोटो चलाते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो अच्छी क्वालिटी में दिखना है, अगर हमको अच्छी क्वालिटी में कोई भी चीज़ दिखाई दे तो समझ लो उसका ग्राफिक्स कार्ड उतना मजबूत है। ठीक है ग्राफिक्स मतलब होता है आपको बता चुका हूँ पहले शब्द का मतलब, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का मतलब क्या होता है याद रखना है, वह कंप्यूटर जो साउंड निकालने में सहायता करता है। ठीक है क्या करता है साउंड कार्ड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ये साउंड कार्ड काम क्या होता है इसका, ये कंप्यूटर में कोई भी साउंड होता है तो उसे साउंड निकालने मतलब बाहर निकालने में, जिससे कि आपके कानों में वो ध्वनि पड़ सके, उस ध्वनि को निकालने में कंप्यूटर से कौन मदद करता है, साउंड कार्ड कंप्यूटर की मदद करता है। ठीक है इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है ये एक तरह का मतलब आंतरिक एक्सपेंशन का कार्ड होता है। ठीक है आंतरिक एक्सपेंशन मतलब इंटीरियर एक्सपेंशन का मतलब कार्ड टाइप का होता है ये, जो आपका क्या होता है साउंड कंप्यूटर से साउंड निकालने के काम में आता है। ठीक है इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए अगर हम सोचिए तो बाहरी ऑडियो में भी आता है ये। ठीक है लेकिन आपको ये चीज को मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं आएगी। चलिए ठीक है चलिए देखिए आपके पास देखिए कुछ प्रोसेसर मैंने आपको इमेज में दिखा रखे हैं, इमेज में देखिए। ठीक है जैसे आपके कंप्यूटर में है, देखिए आपके कंप्यूटर देखिए आपका अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है उसके बाद देखिए ये डेस्कटॉप देखिए, देखिए अगर नंबर ऑफ कोर्स देखिए क्या होता है Core i3 Core i5 Core i7। ठीक है आप जैसे ही कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आपसे पूछेंगे i3 i4 i5 i7। ठीक है तो इस चीज़ के आपको क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं इस टाइप के आजकल प्रोसेसर आने लगे हैं, आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट बताइए आपको i3 है चाहिए i5 चाहिए i7 चाहिए, i7 तो बहुत महंगा होता है भाई साहब। ठीक है तो याद रखना इनकी स्पीड में आप दिखा दोगे फ्रिक्वेंसी कितना होती है, Core 3 की इसमें फ्रिक्वेंसी याद रखना है आपको 2.4 से 3.4 से 4.2 तक, और Core 5 की होती है 3.4 से 3.8 GHz तक, 2.9 से 4.22 GHz तक इनकी स्पीड होती है। ठीक है चलिए कैश मेमोरी में याद रखना, कैश मेमोरी इसकी 3 से 4 MB, इसकी 6 MB, इसकी 8 MB। ठीक है ये मैंने बता दिया है आपको, अगर यूज की लगे तो कर लो। ठीक है चलिए चलते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है आप बेझिझक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं हर चीज़ का आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर दे सकता हूँ कोई भी चीज़ का। ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप लाइक भी ज़रूर कर दें, और जो भी चीज़ समझ में अगर अच्छे से आ गया है तो कमेंट ज़रूर कर दें, अगर नहीं आया है तो वो भी चीज़ आप कमेंट में लिख दें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद।